अज जिला NGO कोआर्डीनेशन कमेटी मोगा वालों शहीद भगत सिंह मार्केट मोगा विखे शहीद भगत सिंह दे बुत अते उसके आले दुआले दे पार्क की साफ सफाई की गई। शहीदां दे स्मारकां दे सत्कार नूं बरकरार रखने लई साफ सफाई अति जरूरी है। बारिश के मौसम में डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया वर्गिया बीमारियों तो बचने लई सानू अपने आले दुआले की सफाई किवें रखनी चाहिए है, किवें दिता संदेश NGO के मैंबर ने, देखते हाँ अगे पूरी खबर के विच। बने रहो साडे नाल, देखते रहो साडा चैनल। जेकर साडे चैनल ते नवे तो साडे चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लो तो ऑल बेल आइकन ते क्लिक कर लो। जेकर तुसीं फेसबुक पेज ते हो तो फेसबुक पेज नूं फॉलो एंड लाइक जरूर करियो तां कि पंजाब ते देश विदेश दीआं खास खबरां तुहाडे तक पहुँच सकण। सब तों पहलां मोगा तों जसविंदर रखड़ा दी विशेष रिपोर्ट। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा मिशन साडा रूरल NGO वल्लों, जिला NGO वल्लों, और इत्थे शहीद भगत सिंह मार्केट के नाँ तो जानी जाती मार्केट है ये, क्योंकि इतने भग शहीद भगत सिंह का बुत लगा, क्योंकि जो उन्हों का जन्मदिन होंगे उदो इतने बड़े लोग साढ़े अगर फुल चढ़ा आते हैं, जो शहीदी दिन होंगे उदों बड़े फुल चढ़ा आते हैं। अज लेकिन असी जो हाल वेख्या इतने पार्क का एडा क माड़ा हाल है भी जाने की सफाई तुम देख सकते पिछे भी जोड़े साढ़े मैंबर इतने सफाई करी जाते हैं ज कर रहे हैं तो वो वाल ध्यान कोई नहीं दिता। हूँ मेरा ख्याल भी सानू इतने लग्या हो गया दो ढाई घंटे, तीन ही हो चले है, तो मेरा ख्याल भी मार्केट के नुमाइंदे ने किसी ने आओ नहीं आ गए सानू पूछे भाई तुम इतने की करते हैं, जो तुम कहने पानी पीना जो कोई चीज़ चाहिए है, लेकिन नहीं। पर लेकिन असं इन चीज़ों के मतलब ना तो जाने जाने साड़ी मार्केट जानी जाती है कि यह मतलब मार्केट वाले एक इन्ना नहीं कर सकते भी इतने पानी का प्रबंध भी सरकार वालों हैगा, सारा कुछ हैगा, तो की इतने एक छोटा जिहा उपराला करके बेंच भी लगे बैठने तो घा नहीं लवा सकते। लेकिन मेरी मंग है सरकार तो भी, कमेटी तो भी, DC साहब तो भी जे इतने घा लग जाए तो बहुत वधिया पार्क बनी भी है तो बहुत वधिया बन सकती है, क्योंकि असी रूरल NGO वालों उपराला भी करांगे भी इतने सरकार नूं कह के तो इतने घा लवाया जाए, क्योंकि जिम वगैरह लगी है तो इतने थोड़ी जी देखभाल हो सके। अज असी डिस्ट्रिक्ट NGO कोआर्डीनेशन कमेटी वालों शहीद भगत सिंह मार्केट मोगा दे विच जो शहीद भगत सिंह जी का बुत लग्या होया पार्क बनी हुई है उस पार्क की सफाई की है, और नाल ही जिहड़ा बुत है उन्हें धोता गया, साफ किया गया। और इहदा मकसद साडा यही है कि एक तां साडे जो शहीदां दे स्मारक बने है उन्हां दी सानू सत्कार करना चाहिए, उन्हां दी समय समय ते जिहड़ा है सानू साफ सफाई वल भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्मारक बनाउणे सौखे है, इन्हां नू सांभणा ते इन्हां तों नवीं पीढ़ी नू प्रेरित करना ये साडी सब दी जिम्मेवारी बनदी है। और जेकर इस तरह इन्हां बुत्तां दी बेअदबी हुंदी रही तां साडी नवीं पीढ़ी है जिहड़ी इन्हां बुत्तां नू सत्कार नहीं दे सकेगी, इन्हां आत्मावां नू जिहड़ियां ये महान आत्मावां ने जिन्हां ने देश की आज़ादी लई अपना आप कुरबान किया है उन्हां आत्मावां नू उन्हां सत्कार नहीं दे सकणगे। इस करके साडा ये फर्ज़ बनता है कि असी अपनी नवीं पीढ़ी नू ये संदेश भी दईए, और उहदे नाल नाल जिहड़ा सफाई बहुत जरूरी है, सफाई दूसरा रब है। और अजकल डेंगू मलेरिया का सीजन चल रहा है, बारिशां होके हटियां, घरां दे विच छत्तां दे उत्ते कबाड़ दे समान दे विच खाली प्लाटां दे विच पानी भर चुक्या है, और वो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया वर्गियां बीमारियां नूं सद्दा दे रहे हैं। सो असी जिहड़ा अज सफाई दे राही ये संदेश भी देना चाहुंदे आ कि सानू अपने घरां दी ते उहदे आले दुआले दी सफाई वल भी ध्यान देना चाहीदा है तां कि असी खतरनाक बीमारियों तो अपने आप नूं बचा सकीए, क्योंकि साडी मेहनत नाल कमाया होया पैसा जिहड़ा वो बीमारियों ते खर्च ना होवे, इसलिए जरूरी है कि असी सफाई वल भी उन्ना ध्यान दईए। सो अज साडा ये डिस्ट्रिक्ट NGO कोआर्डीनेशन कमेटी का उपराला साडे प्रधान जी गुरसेवक सिंह सन्यासी ते समूह मैंबरां वल्लों उहदे विच शहीद भगत सिंह क्लब घोलिया कलां दे मैंबरां ने भी शमूलियत की, असी सारयां दे बहुत बहुत धन्नवादी हैं जिन्हां ने अज दी इस सफाई मुहिम दे विच हिस्सा लिया और ये संदेश देण दे विच साडा सहयोग दिता। बहुत बहुत धन्नवाद जी।